अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करने वाले अपना पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनोग्राफी के बारे में। आज हम बताएंगे कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, ये कैसे लिखी जाती है, इसके वगैरह वगैरह। तो लेक्चर शुरू करने से पहले जो है, आप जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं कि स्टेनोग्राफी क्या चीज़ है। स्टेनोग्राफी एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा आर्ट है जिसके जरिए से हम सुने हुए लफ्जों को, सुने हुए शब्दों को निशानियों के जरिए से जो हम कॉपी पे लिख सकते हैं। आसान लफ्जों में कहूँ तो शॉर्ट हैंड राइटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम किसी भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन को, किसी भी लाजमी बातचीत को सुनकर उसे हम कॉपी पे निशानियों के जरिए से लिख सकें, उसे ही शॉर्ट हैंड कहा जाता है। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह शॉर्ट हैंड में उनको कंसोनेंट्स कहा जाता है, जो कि 24 होते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, उसी तरह शॉर्ट हैंड में भी वॉवल्स होते हैं, जो कि 8 होते हैं। इन्हीं के जरिए से जो है ये शॉर्ट हैंड बनाई जाती है। और हम अपने अगले लेक्चर में जो बताएंगे 6 कंसोनेंट्स के बारे में, जिन को हम आपको लिख के दिखाएंगे और बताएंगे कि इन्हें कैसे लिखा जाता है और उनसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं। इसी के साथ हमारे शॉर्ट लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट बनाया इसको। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा हर लेक्चर जो है मैक्सिमम 10 मिनट तक हो, 10 मिनट से ज़्यादा कोई लेसन ना हो। मैं हर हफ्ते एक लेसन जो है आपको उस पर वीडियो बनाऊँगा, हर हफ्ते एक लेसन ज़रूर लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। इसी साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है, समाप्त होता है और उम्मीद है आपको ये शॉर्ट लेक्चर पसंद आया होगा, इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन में कोई कमी रह गई है, कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं यकीनन उस पर एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। अगर ये छोटा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें।